भारत का चंद्रयान मिशन चांद के तीसरे ऑर्बिट में एंटर कर चुका है। 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 पर बाहुबली रॉकेट LVM3 ने चंद्रयान 3 को लेकर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी और अब चंद्रयान 3 अंतरिक्ष का सफर कर चांद के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है, जिसमें चक्कर लगाते हुए स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे चांद की सतह के करीब पहुँच रहा है। लेकिन अब इसके आगे का सफर इतना आसान होने वाला नहीं है। इस सफर में सबसे मुश्किल है इसका आखिरी पड़ाव, जिसमें यह 23 अगस्त के दिन चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। और इसी कोशिश में साल 2019 में हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था, क्योंकि जिस जगह पर हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा वो जगह चांद के आम क्षेत्र से कहीं ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने यह साफ कह दिया है कि जिस जगह पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर रहा है वो जगह चाहे कितनी भी खतरनाक हो, हमारा चंद्रयान वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की 5 सालों की कड़ी मेहनत है। हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 में लगे तकनीक पर भरोसा है, क्योंकि इस तकनीक को डेवलप करने में हमारे वैज्ञानिकों को 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 5 सालों का समय लगा है। हमने चंद्रयान 2 में की गई गलतियों से सीखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी शुभकामनाएं जरूर दें। आशा है आप इतना तो कर ही सकते हैं। खैर, आइए अब अपने मेन विषय पर आते हैं। दोस्तों, पृथ्वी से चांद पूरा गोल दिखाई देता है, लेकिन असल में हमारा चांद भी अर्थ की तरह अंडाकार है। चांद पर स्थिर और हल्का वायुमंडल है। आपको ये भी पता होगा कि साल 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज की थी, लेकिन यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि बर्फ के रूप में मौजूद है। चांद से जुड़ी एक रहस्यमय बात ये भी है कि स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ पेसिल ने अपने रिसर्च में ये खोज निकाला है कि चांद पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की नींद पर भी असर डालता है। चांद की ज़मीन काफ़ी उबड़ खाबड़ है और इसमें कई बड़े बड़े क्रिएटर्स और गड्ढे मौजूद हैं, जो इतने बड़े हैं कि पिछले करोड़ों सालों से इनके अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाई है। इनमें से सबसे बड़ा गड्ढा चांद के साउथ पोल पर ही मौजूद है, जहां पर हमारा चंद्रयान रिसर्च करेगा। इस गड्ढे का डायमीटर 2500 किलोमीटर और गहराई 8.2 किलोमीटर है। माना जाता है कि इसी गड्ढे में चांद की सतह पर पानी छुपा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनिया, मरकरी, मिथेन और सिल्वर जैसे संसाधनों का खजाना हो सकता है। साल 1959 में रूस के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद पर लैंडिंग की थी। इसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए और 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था, जिसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसका कारण उन्होंने कभी नहीं बताया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि नासा ने असली कारण पूरी दुनिया से छुपा रखा है। नासा द्वारा चांद पर भेजे गए 12 एस्ट्रोनॉट में से कई ने चांद पर अजीब सी आवाज़ सुनी थी, तो कुछ ने चांद पर बनी अजीब ब्रिज और कूलिंग टावर जैसे स्ट्रक्चर को भी देखा था। वहीं चांद की खोज में वैज्ञानिकों को एक सैटेलाइट जैसी स्ट्रक्चर भी देखने को मिली थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका अपने आप बनना नामुमकिन है। हालांकि नासा ने इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने कई बार कबूला कि चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है। फिलहाल गौर करने वाली बात यह है कि अब तक किए गए सभी मिशन चांद के नॉर्थ पोल पर किए गए थे, जहाँ पर लैंडिंग करना साउथ पोल के मुकाबले काफ़ी आसान माना जाता है। लेकिन साल 2019 में भारत के चंद्रयान 2 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी और अपने इस मिशन में चंद्रयान 2 का लैंडर असफल हो गया था। चांद के दक्षिणी ध्रुव में ऐसे कई बड़े बड़े गड्ढे हैं, साथ ही यहां करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, इसलिए कई बार चांद के साउथ पोल का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसे में किसी भी इंसान का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो दूर, खुद स्पेसक्राफ्ट का भी काम करना मुश्किल हो जाता है। इतने कम तापमान में कई बार स्पेसक्राफ्ट पर लगे साइंटिफिकल इंस्ट्रूमेंट चलना बंद हो जाते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के कई हिस्से अंधेरे में रहते हैं, जिस वजह से नासा, रोसकॉस्मोस
और किसी भी देश के ऑर्बिटर भी वहाँ के काफ़ी हिस्सों को ठीक से जांच नहीं कर पाए हैं। उन हिस्सों में क्या है ये किसी को भी आज तक पता नहीं है। ऐसे में वहाँ जाना सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चांद के सभी इलाकों से ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। आपको बता दें कि इसरो के मुताबिक धरती से चांद की दूरी करीब 384,400 किलोमीटर है। ऐसे में इतनी दूरी पर लैंडर डीप स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। इनके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी है और काफ़ी पतला वातावरण है। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर काफ़ी बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे होने के साथ धूल भी उड़ती रहती है, और ये सभी चीज़ किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने में चुनौती देते हैं। पिछली बार चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर पर चंद्रयान 2 के लैंडर ने इसरो से संपर्क खो दिया था और चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो गया था। लेकिन पिछली बार आई मुसीबतों से सीखकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से ज़्यादा एडवांस और ताकतवर बना दिया है। जैसे चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 थ्रस्टर थे, लेकिन चांद पर लैंडर का संतुलन बनाए रखने के लिए इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 बड़े और एडवांस थ्रस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इसकी लैंडिंग साइट को चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट से ज़्यादा बढ़ाकर 4.5 किलोमीटर के इलाके को चुना गया है, और अगर सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक रहा तो 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा दिया जाएगा। और अगर चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली तो भारत चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक इसलिए ताकि हमारे वैज्ञानिकों को पता चल सके कि आज भारत का हर एक शख्स, हर एक नागरिक उनके साथ खड़ा है, और शेयर इसलिए ताकि हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बारे में वो लोग भी जान सकें जो अब तक अनजान है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।